वेलकम टू डिस्कवर मूवीज। ट्री को दिखाते हुए होती है जो कई साल मिलिट्री में गुजारने के बाद हांगकांग वापस आया है और अपने नए करियर की शुरुआत के लिए जॉब की तलाश में है। हेनरी जॉब की तलाश के लिए की स्कूल जाता है और प्रिंसिपल देखता है कि उसे पढ़ाने का कोई तजुर्बा नहीं, लेकिन जब वो हायर ऑफिशियल की तरफ से लेटर देखता है तो हेनरी को जॉब दे देता है। हेनरी के क्लास में जाने से पहले प्रिंसिपल बताता है कि जिस क्लास को वो पढ़ाने जा रहा है वो स्कूल के सबसे शैतान बच्चों की क्लास है। अगले दिन जब हेनरी क्लास में जाता है तो देखता है कि हर तरह अफरा तफरी मची है। कुछ स्टूडेंट्स सो रहे हैं, कुछ वीडियो गेम खेल रहे हैं और कुछ गा रहे हैं, कुछ तो चूल्हा जलाकर खाना पका रहे हैं। हेनरी के क्लास में आ जाने के बाद भी वो उसे नजरअंदाज करते हैं और जो कुछ वो कर रहे हैं जारी रखते हैं। हेनरी स्टूडेंट्स की तवज्जो हासिल करने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे न सुनने का बहाना करते हैं। हेनरी भी उनकी तवज्जो को हटाने की कोशिश नहीं करता और वो खाना पकाने वाले स्टूडेंट्स के पास जाता है, उन्हें कहता है कि वो कम खाना पकाए क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा सोडियम है। इसके बाद वो जूफा नामी के पास जाता है जो गिटार बजा रहा था और इसमें वो उसकी मदद करता है। आखिरकार स्टूडेंट्स भी उसकी बात सुनने लग जाते हैं। वो बोर्ड पर अपना नाम और फोन नंबर लिखता है। क्लास ही में से कोई लड़का हेनरी के फोन करता है और क्लास से निकल जाने का कहता है। इसके बाद स्टूडेंट्स उसे दोबारा नजरअंदाज कर देते हैं और अपने काम में मसरूफ हो जाते हैं। हेनरी को गुस्सा आता है, वो चौक उठाता है और रबर बैंड के जरिए कमरे में पानी का छिड़काव करता है। क्लास के बाद कुछ स्टूडेंट्स सप्लाई रूम में बैठकर स्मोकिंग कर रहे हैं कि तभी स्कूल की बास्केटबॉल टीम सप्लाई रूम में आती है और जैक का मजाक उड़ाने लगती है। ऐसा वो कई बार पहले भी कर चुके हैं क्योंकि जैक गरीब है। बाद में हम देखते हैं कि बास्केटबॉल टीम प्रैक्टिस कर रही है और जैक अपने दोस्तों के साथ उन्हें देख रहा है। इसके बाद जैक स्टेडियम में बोतल गिरा देता है जिसकी वजह से उनका टीम लीडर गिर जाता है। जैक और उसके दोस्त हंसने लगते हैं। दूसरी जानिब स्कूल के प्रिंसिपल परेशान है क्योंकि एजुकेशन बोर्ड सालाना फंड में 20% कटौती करने का फैसला करती है। बोर्ड के लोग अगले दिन स्कूल का दौरा करने आते हैं ताकि ये पता चला सके कि फंड्स कहां कहां इस्तेमाल हो रहे हैं। उसी वक्त हेनरी क्लास में दाखिल होने लगता है और पानी की बाल्टी को दूर फेंक देता है जो स्टूडेंट्स ने उसका मजाक उड़ाने के लिए ले रखी थी। हेनरी जैक से सिगरेट मांगता है और इसमें इस्तेमाल होने वाले 3 अज्जा के बारे में पूछता है और जब जूफा सही जवाब देता है तो हेनरी उसे उस दिन की छुट्टी देता है। ये देखकर बाकी स्टूडेंट्स भी डेस्क पर हाथ मारकर छुट्टी का मुतालबा करते हैं। एजुकेशन बोर्ड की आई हुई टीम ये सब देखती है। इसके बाद हेनरी सबको एक एक सिगरेट देता है क्योंकि हेनरी जानता था उस बिगड़ी हुई क्लास को कैसे पढ़ाना है। हेनरी स्टूडेंट्स को स्मोकिंग करने के नुकसान बताता है। घंटी बजती है और हेनरी सबको सिगरेट वापस करने को कहता है। अगले दिन कैफेटेरिया में बास्केटबॉल टीम का कप्तान जैक के दोस्त को टांग पर ट्रिप करता है जिससे दोनों ग्रुप आपस में लड़ने लगते हैं और उस जगह को तबाह कर देते हैं। इसके बाद जैक हेनरी को कहता है कि अमीर बच्चों को कोई सजा नहीं मिलती। बाद में प्रिंसिपल हेनरी को बताता है कि उसकी क्लास के 5 स्टूडेंट्स को लड़ाई शुरू करने पर मुअत्तल कर दिया गया है। स्कूल के बाद हेनरी उन 5 स्टूडेंट्स के बारे में जानने के लिए फाइलें देखता है। पहले लड़के का नाम जूफा है जिसका बाप पाकिस्तान से है और जूफा पर अक्सर अपने मोहल्ले में चोरी करने का इल्जाम लगाया जाता है। जूफा की सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि वो एक अच्छा म्यूजिशियन बने। दूसरा स्टूडेंट डेन नामी लड़की है। इसकी पैदाइश से ही उसका बाप उसे पसंद नहीं करता क्योंकि वो एक बेटा चाहता था। डेन पूरी जिंदगी अपने बाप की तवज्जो हासिल करने में गुजार चुकी है, फिर भी उसके बाप को उसकी कोई परवाह नहीं और वो अपने छोटे बेटे को ज्यादा तरजीह देता है। इसके बाद ब्रूस और उसके भाई क्रिस को देखते हैं। बचपन में उनकी मां दोनों को छोड़कर एक आदमी के साथ भाग गई थी और उनका बाप इस सपने की वजह से शराब पीने लग गया था। इसीलिए क्रिस पैसा कमाने के लिए एक स्टोर पे मेहनत करता है और दूसरी जानिब ब्रूस वीडियो गेम्स खेलने लग गया। आखिर में हेनरी को जैक के खानदान के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। सीन शिफ्ट होता है और हम जैक को एक रेस्टोरेंट में वेटर के तौर पर काम करते देखते हैं। वहाँ एक बिजनेसमैन जॉन जिंग आता है। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप तमाम का दिल से शुक्रिया। और जब जॉन का ध्यान कहीं और होता है तो जैक उसका फैंसी लाइटर उठा लेता है लेकिन जॉन गैंग उसे पकड़ लेता है। जॉन के आदमी जैक को बहुत मारते हैं लेकिन जब वो उसका वॉलेट चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो एक स्टूडेंट है। इसीलिए जॉन उसे कुछ पैसे देता है और फूड डिलीवरी का काम करने की भी पेशकश करता है। इसके बाद हेनरी जूफा को एक ब्रिज पर मिलता है। जूफा को मोटिवेट करने के लिए हेनरी वहाँ पब्लिक में गाने लगता है। थोड़ी देर बाद जूफा भी उसे ज्वाइन कर लेता है और वो पहली दफा सबके सामने खुल के गाना गाता है।
जाता है। अगले सीन में ब्रूस का बाप हमेशा की तरह लेट आता है और उन्हें स्टोर से शराब लेकर आने का कहता है। जब वो दोनों शराब लाने से मना कर देते हैं तो वो उन पर चिल्लाने लगता है कि मेरे घर से दफा हो जाओ। अगले दिन हेनरी इन दोनों के बाप से मिलता है और अपने बेटों की खातिर अपना इलाज करवाने पर राजी हो जाता है। डेन का बाप मेकअप प्रोडक्ट लेकर आता है और उसे ये अपने आप पर अप्लाई करने को कहता है। डेन अपने बाप पे गुस्सा होती है और अपने छोटे भाई पर मेकअप करके वहाँ से बाहर निकल जाती है। वो अपने बाप की गाड़ी लेकर जा रही होती है कि तभी उसके सामने हेनरी आ जाता है। हेनरी से बताता है कि उसे लाइसेंस के बगैर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। इसके बाद हेनरी से कार रेस में ले जाता है और उसके बाप को भी बुला लेता है। रेस शुरू होती है और बाप बेटी दोनों एक दूसरे पर रहम नहीं करते और आखिरकार जब रेस खत्म हो जाती है तो दोनों एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होते हैं कि तभी एक गाड़ी डेन को टक्कर मार देती है, लेकिन उसे चकमा देने में कामयाब हो जाती है और उसका बाप समझता है कि कहीं डेन गाड़ी के नीचे न आ गई हो। वो जोर जोर से रोने लगता है। उसी वक्त डेन को एहसास होता है कि उसका बाप उससे कितनी मोहब्बत करता है। जब डेन उसके सामने आती है तो वो उसे गले लगा लेता है। अगले दिन ब्रूस और क्रिस एक शराबी के ठीक होने पर उसका इंटरव्यू लेने अस्पताल जाते हैं, लेकिन वो ये देख कर हैरान रह जाते हैं कि वो कोई शख्स और नहीं बल्कि उनका बाप है। स्टूडेंट्स उनसे पूछते हैं कि उन्होंने शराब पीना कैसे शुरू की तो उनका बाप जवाब देता है कि उसे अपनी बीवी से बहुत प्यार था लेकिन वो मुझे छोड़कर चली गई, इसीलिए मैंने शराब पीना शुरू कर दिया और भूल गया कि मेरे दो बच्चे भी हैं और उनकी देखभाल भी करनी है। वो अपने बच्चों से माफी भी मांगता है। आखिर में दोनों भाई रोने लग जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि जैक जॉन के लिए काम करना शुरू कर देता है। वो जैक को पैसे देता है और उसे एक फाइटर की ड्रिंक में नशा मिलाने का कहता है। जैक फाइटर की ड्रिंक में नशा डाल रहा होता है कि पकड़ा जाता है। इससे पहले कि वो जॉन पे इल्जाम लगाता वो उसे मारना शुरू कर देता है और एक लॉकर में बंद कर देता है। थोड़ी देर बाद हेनरी वहाँ आता है और उनसे पूछता है कि उन्होंने एक स्टूडेंट को देखा है, तो वो उसे कहते हैं कि वो तो घर वापस चला गया। तभी जैक मदद के लिए पुकारता है। हेनरी ये देखकर उन सबको मारना शुरू कर देता है। मार्शल आर्ट्स स्किल से वो सबको आसानी से पछाड़ देता है। हेनरी उनके एक फाइटर को आसानी से हरा देता है जो चंद मिनटों में लड़ाई लड़ने वाला था। इसके बाद टीवी पर एक खबर चलती है कि कैसे टीचर ने अपने स्टूडेंट को बचाने के लिए एक फाइटर को मारपीट कर दी। स्कूल में हेनरी की मकबूलियत बढ़ जाती है और स्टूडेंट्स उसकी इज्जत करने लगते हैं, यहाँ तक कि वो क्लास में उसका इस्तकबाल करने के लिए उठते हैं और वो भूल जाते हैं कि पहले कैसे थे। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि हेनरी स्कूल में एक प्रैंकस्टर था, यहाँ तक कि उसने एक स्टूडेंट पर पानी के गुब्बारे भी फेंके। इसके बाद जैक ने एक स्टूडेंट से लड़कर उसका हाथ भी तोड़ दिया था और इस लड़ाई की वजह से उसे स्कूल से मुअत्तर कर दिया गया था। अगले दिन सब स्टूडेंट्स हेनरी की क्लास में तवज्जो से पढ़ने आते हैं और आने वाले कॉलेज के इम्तिहान के लिए सख्त मेहनत करते हैं। हर कोई बहुत अच्छा कर रहा था सिवाय ब्रूस के, और ये भी पता चलता है कि ब्रूस ने नशा करना शुरू कर दिया है। एक दिन वो अपने घर की बालकनी से खड़ा होकर छलांग लगा देता है। उसे अस्पताल ले जाया जाता है और वो कोमा में चला जाता है। मीडिया इसका इल्जाम हेनरी और उसके स्कूल पर डालता है। एजुकेशन बोर्ड्स के मेंबर हेनरी का इंटरव्यू करते हैं और उसका टीचिंग लाइसेंस मंसूख कर देते हैं। जब वो अपना सामान बांधकर स्कूल से बाहर निकलता है तो सब स्टूडेंट्स उसे रुकने को कहते हैं। हेनरी के डाक होने की वजह से उनका दिल टूट जाता है। उस दिन वो बहुत ज्यादा मेहनत करने लगते हैं ये साबित करने के लिए कि हेनरी एक बहुत अच्छा टीचर है। एग्जाम शुरू होने से एक घंटा पहले जैक और उसके तमाम स्टूडेंट्स को हेनरी की तरफ से एक मैसेज आता है और वो उन्हें एक जगह पर मिलने को कहता है। जब सब स्टूडेंट्स जमा हो जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये जॉन की एक चाल थी और जॉन एग्जाम मिस कराने के लिए सब स्टूडेंट्स को कैद कर लेता है। वो ऐसा हेनरी को सबक सिखाने के लिए करता है। कुछ देर बाद हेनरी स्कूल पहुंच जाता है और उसे जॉन के प्लान का पता चलता है। उसी वक्त हेनरी जॉन के अड्डे पे पहुंचता है और उनके साथ बहुत ही शानदार फाइट करता है। हेनरी सब स्टूडेंट्स को वहां से भागने को कहता है और वो तमाम एग्जाम देने के लिए भागने लगते हैं। स्टूडेंट्स इम्तिहानी हॉल में पहुंच जाते हैं जबकि हेनरी जॉन से लड़ाई करता है। जब वो आपस में लड़ रहे होते हैं तो जॉन को पता चलता है कि ये वही लड़का है जिसने पानी के गुब्बारे फेंके थे, क्योंकि हेनरी ने उसका बाजू तोड़ दिया था। उस दिन से उसने पियानो को हाथ भी नहीं लगाया और वो किसी भी मुकाबले में हिस्सा न ले सका था। इस सब का जिम्मेदार वो हेनरी को ठहराता है। हेनरी जॉन को समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो हेनरी पर अटैक कर देता है। हेनरी जब उसे मारने वाला होता है तो वो ऐसा करने से रुक जाता है और उससे माफी मांग कर वहाँ से चला जाता है। सब स्टूडेंट्स इम्तिहानी हॉल में सही वक्त पर पहुँच जाते हैं और अपना टेस्ट कंप्लीट करते हैं। कुछ हफ्तों बाद वो सब टेस्ट में अच्छे नंबरों से पास हो जाते हैं। ब्रूस बहुत जल्दी से रिकवर होने लगता है और जॉन दोबारा से पियानो बजाने की प्रैक्टिस करने लगता है। प्रिंसिपल भी बहुत खुश होता है क्योंकि एजुकेशन बोर्ड ने 20% फंड स्कूल के लिए जारी कर दिए क्योंकि स्टूडेंट्स ने एंट्री टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर दिए थे। अगर हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल
चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।